बर्थडे है तो हम आज कुछ कह नहीं रहे तेरे को, समझ गया? सिगरेट पी रहा तू? सिगार है? बर्थडे तो मतलब ये कुछ भी करेगा। गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आज का दिन ना बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है हमारे फैमिली के क्यूटेस्ट मेंबर यानी कि चीकू का हैप्पी बर्थडे। तो हमने वैसे तो बहुत कुछ सोच रखा है कि उसके बर्थडे पे हमें करना है। अब देखते हैं, पहले तो चीकू सिंह से मैं आप सबको मिलवाती हूँ आज, कि चीकू सिंह आज मतलब कुछ एक्साइटेड है कि नहीं अपने बर्थडे को लेकर। आज ना हम चीकू को उसके ग्रूमिंग के लिए भी लेके जाएंगे, थोड़ा साफ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ना, नहाया धोया बच्चा लगेगा हमारा। आज हमारी बच्ची का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तेरे इतने ज्यादा बाल कैसे हो रहे हैं बता पहले? आज हम तेरे बाल कटवा दें, तेरे को सुंदर बच्चा बना दें आज हम, हैं चीकू? चीकू के ना बाल बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं और क्योंकि आज इसका हैप्पी बर्थडे, आज हम इसको ना सुंदर मुंडा बनाने वाले हैं। तो इसके ना सबसे पहले तो हम हेयर कट करवाएंगे क्योंकि उसके बाल ना जो पूरे जो घर में उड़े जा रहे हैं, कभी कहीं गिर रहे हैं कभी कहीं गिर रहे हैं। वही तेरा हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा। वही क्या कर रही? नागिन डांस? नागिन डांस नहीं करना आज तेरे को, नागिन डांस शाम को करियो जब पार्टी होगी तेरे उसमें बर्थडे पे। लगता है तो छोटू सा है ये, 8 साल का हो गया। क्या हुआ, 8 साल का बड़ा थोड़ी होता है। आई बाबू की कटिंग कराएंगे, नए नए कराएंगे, बाबू को बाबा बनाया, पार्टी का भी करा है, लड़ाई के साथ ही। अच्छा, नहीं नहीं करेंगे, नहीं नहीं प्यार करेंगे, प्यार करेंगे, प्यार आज करेंगे। केक कट होगा? चलो चलो चलो, देखो कैसे बाल निकलते हैं गंदे बच्चे के। तभी तो हम इसकी वो शेविंग करवाने जा रहे हैं। अरे कहाँ धरती बस मारा है आज मम्मी, मेरे देवर का हैप्पी बर्थडे है, मेरा बॉडी गार्ड है ये। चलो भाई घूमने चलो। आज ही मेकओवर करवा के आ गए। अरे अरे चलो चलो चलो, इतनी जल्दी चढ़ गया गाड़ी में, ओ भाई साहब रिजर्व नहीं थी सीट तेरी। चलो आज तो इसका बर्थडे है मम्मी, चलो कोई नहीं, हम इसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, आगे बैठना है इसको तो। चलो स्टार्ट करो। इतना तू इतना इंपेशेंट क्यों हो रहा है, लेके जा तो रहे तेरे को। एसी भी तो चलाना है ये देखो। अच्छा एसी कहाँ है? एसी की आवाज़ है। चलो चलो चीकू के संग चलो, इतना अच्छा लग रहा है चीकू को बाहर देखना घूमना गाड़ी। फाइनली हम आ चुके हैं चीकू की ग्रूमिंग करवाने। आओ 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 पधारो पधारो, आज तो वीआईपी है, वीआईपी गेस्ट। अरे अंदर जाने का कितना शौक हो रहा है, जब वो उठाएगा ना कटिंग के लिए तो देर बाहर भागने की करेगा। चलो वो ग्रूमिंग के लिए बोला। चलो चलो आपको जाना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, भाभी कुछ नहीं कर सकती अभी, हेयर फॉल हो रहा तेरा, तेरे बाल बढ़ रहे हैं बहुत। ये क्या लगाया भैया आपने, ये क्यों लगाते हैं? चीकू काटा ने इसलिए मास्क लगा दिया इसको। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल। बस अभी ट्रिमर चलने वाला है चीकू तेरे ऊपर। क्या हुआ चीकू, अभी चलते हैं अभी चलते हैं, बस होने वाला है, देखो होने वाला है। ये चूहा कौन है, चमक गया ये चूहा तो बिल्कुल ही अपने हैप्पी बर्थडे पे। ओ चीकू के नेल्स कट हो रहे हैं। हो चीकू तेरे तो बहुत बड़े बड़े नेल्स हो गए। अब चीकू नहाई नहीं कर रहे हैं। शैम्पू शैम्पू भी A few moments later. अरे ये कौन है ये चूहा? पेट्स के लिए भी कितना सारा सामान होता है, मैं तो ऐसे पहली बार आके देखा यहाँ पे, इतनी इतनी ज्यादा वैरायटी है खाने का पीने का। क्या कह रहे हैं अंकल आप? इंसानों से ज्यादा है, इंसानों से बहुत चीजें रखी है। मैं और मम्मी अभी अभी चीकू की ग्रूमिंग करवा के आए, वहाँ ना हद से ज्यादा गर्मी थी तो हम दोनों ने सबसे पहले तो आगे नहाया। अब हमने चेंज कर लिया, हमें थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है दोनों को। अच्छा हमारी ना वॉशिंग मशीन बहुत टाइम से ना दिक्कत हो रही थी, वॉशिंग मशीन में मतलब उसमें ना पानी ना मतलब सूख नहीं रहा था, पानी बहुत ज्यादा मतलब जो कपड़े होते ना ड्राई नहीं हो रहे थे। तो अभी अभी एक भैया आया है ठीक करने वॉशिंग मशीन, अब उनसे पूछती हूँ क्या प्रॉब्लम थी वॉशिंग मशीन में। भैया वॉशिंग मशीन में क्या दिक्कत थी? इनलेट मोटर खराब थी। इनलेट मोटर? अच्छा खराब थी, सर्विस नहीं हुई अभी तक। हाँ सर्विस होगी। अच्छा सर्विस, रेगुलर सर्विस की जरूरत है तभी ठीक है। रेगुलर नहीं, 4 साल 5 साल के बाद सर्विस की जरूरत होती है केमिकल की।
अच्छा वॉशिंग मशीन में? हाँ वॉशिंग मशीन में केमिकल। कह रहे हैं 5 साल बाद इसका टब निकाल के इसमें कुछ केमिकल डलता है। अच्छा, तो इसमें जो सारी डस्ट होती है ना वो निकल जाती है, नहीं तो वो कपड़ों पे आती है डस्ट। 4 साल 5 साल बाद सर्विसिंग करवानी चाहिए। ये पूरा टब भर चुका है 2 दिन से क्योंकि वॉशिंग मशीन चल नहीं रही थी। अब ये जो इतना सारा टब भरा है मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 4-5 बार वॉशिंग मशीन चलानी पड़ेगी इसको भी। मतलब कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ये सारे कपड़े धुलने में। तो सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं। फाइनली वॉशिंग मशीन में लाइट जल चुकी है, अब इसने फंक्शन करना शुरू कर दिया है और कपड़े धुलने भी स्टार्ट हो गए हैं। मतलब इतना बड़ा रिलीफ है ये क्योंकि इतने दिनों से कपड़े गंदे पड़े हुए थे, धुल नहीं पा रहे थे, अब फाइनली सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तू कौन है भाई? जानता नहीं तेरे को। कौन है तू? कौन है? आज बर्थडे बॉय के लिए रिबन्स आए हैं और उसके लिए उसका फेवरेट टॉय आया है। वैसे भी मैंने उसको छुपा के रखा हुआ है क्योंकि उसकी नजर पड़ गई ना तो उसे पीछे पड़ जाएगा बिल्कुल। और ये डेकोरेशन करने के लिए हम ये क्यूट सा ये भी लाए हैं, प्लस बर्थडे बॉय के लिए भी आई है टोपी। तो हम पहनाएंगे, उसे पता नहीं पहनेगा कि नहीं लेकिन कोशिश करेंगे। और केक, हाँ आइसक्रीम केक भी मंगाया है चीकू के लिए क्योंकि उसको चॉकलेट फ्लेवर ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो चॉकलेट प्लस बटरस्कॉच दोनों का मिक्स फ्लेवर मंगाया है चीकू के लिए। चीकू तेरे लिए हमने केक मंगाया, आइसक्रीम केक तेरे को पसंद है ना? बहुत ज्यादा पसंद है ना? चीकू का सिंहासन रेडी हो रहा है, इससे बैठ के हमारे चीकू सिंह केक काटेंगे। बटरस्कॉच कुकी आइसक्रीम केक। चीकू का हैप्पी बर्थडे केक आ चुका है, अब चीकू सिंह इसको कट करेंगे। चीकू ये देख केक खाएंगे। चीकू केक खाएंगे? इंटरेस्टेड ही नहीं है वो। गजब बेइज्जती है। अरे बाबू हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई इसको कैप पहनाओ पहले। चीकू के लिए कैप। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बढ़िया बढ़िया। आजा हैप्पी बर्थडे करें तेरा। हैप्पी बर्थडे चीकू। Happy birthday, Chiku. Happy birthday to you. और मांग रहा है, और मांग रहा है। इसका बर्थडे है ना आज। मम्मी चीकू को गिफ्ट दो उसका। तुम दो चीकू के लिए, हम गिफ्ट भी लाए। खोल के दो इनको पता चले। ये ले चीकू। ओ नीचे ले। खुश हो गया। पकड़ पकड़ पकड़। ठीक है नाराज है? हाँ कह रहा है भैया आप लेट आयो मेरे बर्थडे पे। नाराज है तुम? अच्छा मैं नहीं, लेट नहीं आऊंगा। अच्छा कर दे कर दे। अरे वाह ये इतना सुंदर कौन लाया? चीकू के बर्थडे पे इतना सुंदर? ये तो चीकू की शक्ल है। चीकू की शक्ल है ना? ये किसने सजाया इतना सुंदर? 1 2 3 ओल भाग गया। देखो इसने खिलौना छुपा दिया अपना, जूते के अंदर डाल दिया पापा के। तेरा खिलौना कहाँ है? ले रहा हूँ मैं, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ मैं। बर्थडे है तो हम आज कुछ कह नहीं रहे तेरे को, समझ गया? हैप्पी बर्थडे। चलाक लेके भागा है तू। ये तेरा चम्मच है ये तेरे मुंह के अंदर? सिगरेट पी रहा तू? सिगार है? अबे क्या करेगा चम्मच का ये तो बता दे भाई। करेगा क्या? पापा के चरणों में बैठा हुआ है। बर्थडे तो मतलब ये कुछ भी करेगा? अरे प्यारा बच्चा हमारा छोटा सा, शरारते करेगा तो अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, करने रहे अभी थोड़े दिन। थोड़े दिन कर देना तू शरारते? तो बचपन से शरारते कर रहा जब से आया ये। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर नहीं करेगा ना। तो कितना बड़ा होगा? और ये देखो बच्चों की तरह शरारते करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? ओए यार ये दे दे यार, ये ढक्कन ये मेरा है तेरा थोड़ी दे दे। अच्छा गुस्सा मत। चीकू को जब नीचे घुमाने जाते ना तो ये लीश चढ़ा के और नीचे वाली खड़ी गाड़ियों के नीचे भाग जाता था। और फिर ये हमारे पीछे जो सर्विस लाइन है उसमें दौड़ता हुआ वो दूर तक भाग जाता था, आते नहीं आता था, भागता रहता था, भागता रहता था। जब छोटा था इसके नीचे घुमा रहे थे, 4 कुत्ते इसके पीछे पड़ गए थे और पूरा यहाँ का मांस निकाल दिया था, खूना खून। फिर लेके भागे इसको डॉक्टर के पास। कई बार नाटक कर चुका है। और पटाखे होते थे जब दिवाली के दिनों में, ऐसे डर के बेचारा कांपता था, बहुत कांपता था। अब तो बड़ा हो गया। कितने साल का हो गया चीकू? वो तो बताया नहीं आपने। 8 साल का। 8 साल का हो गया? हाँ। ओए जवान मुंडा हो गया। 8 साल के जवान मुंडे
चीकू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और चीकू अपने नए खिलौने के साथ बहुत ज्यादा बिजी है, उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और वो उसके साथ खेल रहा है। मम्मी पापा ने जैसे बताया था बहुत शरारती है ये, हम इसकी लीश उतारते हैं, ऐसा नहीं है लीश नहीं उतारते, बस रात को सोते टाइम उतारते हैं, वरना ये बाहर भाग जाता है और ऐसे जगह भाग जाएगा कि फिर हाथ ही नहीं आएगा, बहुत शरारती है। प्रॉपर कंफर्ट के साथ रखते हैं आप, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे बच्चे की तरह है। तो इसी तरीके से हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और अगर आप चीकू को ब्लेसिंग देना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में देते रहिए। इसीलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और खत्म करने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए। जल्दी मिलते हैं, और हाँ मीनाक्षी के चैनल को फटाफट 10,000 कराना है, क्यों मीनाक्षी? बिल्कुल।